नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में भारी बारिश ने देश के हर कोने को प्रभावित किया है। ये पहल जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार के नवादा पुलिस में कार्यरत डायल 112 के दो सिपाहियों के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में एक व्यक्ति से 10,000 की घूस लेने का मामला सामने आया है। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई और उसमें ये पूरा प्रकरण सच साबित हुआ, जिसके बाद दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पहले उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा ही नहीं जताई थी। इस बदलाव के पीछे का वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मुलाकात सामान्य है, लेकिन सियासी हलकों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के 3 अंगों के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने भविष्य की संभावित जंगों के लिए तत्काल ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार के रोहतास जिले के तिलौथी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी बाजार में चोरों द्वारा SBI के ATM को काटने की कोशिश विफल हो गई। कॉल सेंटर से प्राप्त अलर्ट के कारण पुलिस समय पर पहुंच गई और चोरों की योजना को नाकाम कर दिया। दरअसल चोर जब ATM काट रहे थे तो मुंबई में अलर्ट का सायरन बज गया और इसके बाद चोरों की योजना नाकाम हो गई। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग के 14 सीरीज के समग्र तालिका में 4th स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। डायमंड लीग का फाइनल 13 और 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के साथ ही एथलेटिक्स के सत्र का समापन होगा। 5 साल पहले आई छिछोरे फिल्म का गाना खैरियत पूछो हर आशिक का फेवरेट बन गया है। ये गाना और फिल्म दोनों ही दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गए हैं। श्रद्धा कपूर के साथ सुशांत की ये आखिरी फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही और उनके फैंस के बीच उनकी यादें हमेशा याद रहेंगी। जमुई सांसद अरुण भारती ने फोन पर वीडियो की जमकर क्लास लगाई। दरअसल सांसद झारखंड सिपाही भर्ती में जान गंवाने वाले युवक के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो को फोन लगाया और कहा कि मैं सांसद अरुण भारती बोल रहा हूं। वीडियो ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, सांसद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। देश में डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। अगस्त में 40 लाख से अधिक नए डीमैट खाते खोले गए। NSDL और CDSL के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के अंत तक डीमैट खातों की कुल संख्या 17.11 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में संसद में लाए गए वक्फ बिल पर आलोचना की। कहा कि इससे मुस्लिम समाज असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने CAA और NRC जैसे कानूनों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 13 एकड़ जमीन 1,30,16,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। इस जमीन का आधार मूल्य 39 लाख रुपए था और ये शत्रु संपत्ति के रूप में पंजीकृत थी। नीलामी के दौरान विभिन्न राज्यों से कई इच्छुक खरीदारों ने ऑनलाइन बोली लगाई। इसरो प्रमुख के सोमनाथ ने कहा कि मैं उन इंजीनियरों की पीढ़ी से हूं जिन्होंने कंप्यूटर जाने बिना ही अपना करियर शुरू किया था। इस सोमनाथ ने कहा कि जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ रहा है, खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा का खतरा केवल पर्सनल डेटा की चोरी तक ही सीमित नहीं है, ये अब बहुत बड़े पैमाने पर है। इसका संबंध देश की सुरक्षा से भी है। केंद्र सरकार ने बटाईदार किसानों को भी फसल बीमा कवरेज देने की घोषणा की है, जिससे उनकी मेहनत और पैसे को सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही बीमा क्लेम में देरी पर 12% से अधिक रकम का जुर्माना भी लगाया जाएगा। PM फसल बीमा योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों ने आवेदन किया है और 2 लाख करोड़ रुपये का क्लेम जारी किया गया है।
पेरिस पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने 100 मीटर टी 35 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और 30.1 सेकंड में दौड़ पूरी करके दूसरी पदक जीता है। प्रीति का जीवन कई कठिनाइयों से भरा रहा जिसमें बचपन में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल है। टाइम पत्रिका ने दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीयों को जगह दी है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस सूची में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम भी शामिल है। बिहार के सीतामढ़ी में बरसों से बंद पड़े चीनी मिल को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रवार को चीनी मिल के नए मालिक निरानी ने सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की, जिसके बाद इलाके के किसानों में खुशी दोगुनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने खराब रिश्तों के बारे में कहा कि उनकी पीएम से नहीं बनेगी। तीन बड़े कारण गिनाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि गुजरात के नेता हरेन पांडे की हत्या में कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए थे जिनसे उनके रिश्ते पीएम मोदी से खराब हुए। गुरुवार को मुंबई के लाल बाग चार राजा की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें 20 किलो सोने का मुकुट पहनाया गया। यह मुकुट अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से दान किया गया था। अंबानी परिवार वर्षों से लाल बाग चार राजा मंडल के साथ जुड़ा हुआ है और विसर्जन यात्रा में भाग लेता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देश के बाहर दुबई में पहला रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। इस उद्घाटन समारोह में बोर्ड के अधिकारियों ने दुबई में इंडियन मिशन के प्रतिनिधियों और 78 स्कूलों के प्रिंसिपल ने भाग लिया। अगर आप भी आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। आप 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड अपडेट करवाने जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड से कहा कि आप न्यायपालिका और सभी महिला आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। आप इस तरह के साक्षात्कार क्यों करते हैं, जिसके बाद यूट्यूबर गिड़गिड़ाने लगा। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, जो 2026 तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान में इस अस्पताल की क्षमता अमेरिका और यूरोप के किसी भी अस्पताल से अधिक है। इस परियोजना का लक्ष्य अगले 2 साल में पूरा करना है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से भारत की खाद्य खपत और नीतिगत निहितार्थों में परिवर्तन शीर्षक वाले नोट में कहा गया है कि आधुनिक भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब कुल औसत मासिक घरेलू खर्च में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी घटकर आधे से भी कम रह गई। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स 1017.23 अंक यानी कि 1.24% की गिरावट के साथ 81183.93 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 292.98 अंक यानी कि 1.17% की गिरावट के साथ 24852.15 के स्तर पर बंद हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे देश को स्पष्ट करना चाहता हूं कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है, ये कभी नहीं लौट कर आ सकती और हम इसे आने भी नहीं देंगे। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से गुरुवार को पुलिस ने 2 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग भागलपुर के निवासी हैं। फिलहाल इनसे जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। सीबीएसई ने 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 4 अक्टूबर 2024 तक पूरी करनी है। छात्र पंजीकरण कराने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा और सोशल मीडिया पर रेलवे सेवा के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं।
पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पटना में खेल सम्मान समारोह में भाग लिया और कहा कि बिहार तेजी से स्पोर्ट्स हब बन रहा है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। अगले 5 से 6 वर्षों में बिहार के हॉकी खिलाड़ी भी राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया था उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, नौसाद रजा, विभा कुमारी, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबूदास, मोहम्मद साकिर हुसैन, विद्यानाथ ठाकुर, सपना कुमारी, मोहम्मद इरफान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके पसंदीदा शौक क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।